नमस्कार, वीके बी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन, सीएनजी का इस्तेमाल करे किसान, नितिन गडकरी ने किया आभार। ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए विरोधकों ने किया आंदोलन, विधिमंडल के सीडीओ पर बैठकर किया प्रदर्शन। और तीसरी लहर को देखते हुए अमरावती में बनाया गया 100 बेड का कोविड केयर अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। एशिया की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन 2021 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों किया गया। ऋषिबाग मैदान में आयोजित प्रदर्शनी में केंद्रीय सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित थे। कृषि प्रदर्शनी में किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसे देखकर किसान कुछ नया करने का सोच सकते हैं। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन में कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण, महापौर दयाशंकर तिवारी, सांसद विकास महात्मे, सांसद कृपाल तुमाने, चंद्रशेखर बावनकुले समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, पदाधिकारी और किसान उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने विदर्भ के सभी किसानों के ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर चलने की इच्छा जाहिर की। नागपुर में सीएनजी के पंप पर कई बसें और हजारों कार कन्वर्ट हो गई। उन्होंने सीएनजी को पेट्रोल डीजल से काफी बेहतर फ्यूल बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका सपना है कि एलएनजी और सीएनजी को किसान तैयार करे। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे सीएनजी का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी बचत भी होगी। अब तीसरी बात मेरी इच्छा है, इच्छा यह है कि विदर्भ के पूरे किसानों के ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर चले। अब नागपुर में हमने सीएनजी का पंप डाल दिया, 300 बसेस कन्वर्ट हो गई, हजार कार कन्वर्ट हुई, ऑटो रिक्शा कन्वर्ट हुई। जाके पूछो उनको। ये हमारे परिवहन समिति का अध्यक्ष है बंटी कुकड़े, महापौर साहब बैठे हैं। मैंने उसकी गाड़ी को कहा सीएनजी पर कन्वर्ट करो, तो उसके ड्राइवर को बुलाया बंटी कुकड़े के। तो बंटी कुकड़े और ड्राइवर ने कहा, रहे गाड़ी कैसी चलती है? सर मक्खन जैसी चल रही है। सीएनजी अच्छा फ्यूल है, पेट्रोल डीजल सबसे खराब है, हजार्डस है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। और मेरा सपना है कि हम सीएनजी देश का एलएनजी और सीएनजी किसान तैयार करेगा। और ये 5 टन परली से 1 टन सीएनजी एलएनजी तैयार होता है। एलएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए आसान होता है। ये हमारे कामठी रिंग रोड पर पंप बना है, उसको एलएनजी को कॉम्प्रेस करके सीएनजी बनता है। आप जाके देख लो, हमारा कौस्तुभ गुप्ता है क्या? नहीं, वो मैंने अब मेरा किया हुआ ट्रैक्टर जो पायो सीएनजी पर किया है वो बाहर रखा हुआ है अभी प्रदर्शन में। आप सब चलाकर देखो, 1 साल में मेरी बचत डीजल और सीएनजी के इसमें 1 लाख से 1.25 लाख रुपए बचत है। वो किट भी तैयार हुई, फॉरेन से पार्ट भी लाए और सक्सेसफुल हुआ। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है कौस्तुभ को मैंने दिलाई, उससे वो अब ट्रैक्टर कंपनियां मांग रही है। और मैं अभी जल्दी ही इलेक्ट्रिक पर तैयार हुआ ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब अपने को टेक्नोलॉजी में अगले बार, अभी एक अच्छी बात हुई है कि कर्नाटक के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर निरानी जी है, उन्होंने अब हमारे पास वो करने के लिए पैसे ही नहीं है, बहुत कर्जे हो गए। तो अब मैंने कहा कि जगह देता हूं मैं और राइस स्ट्रॉ देता हूं, तो उनके साथ जॉइंट वेंचर किया है। और इसी कार्यक्रम में कल वो साइन होगा और जल्दी एक प्लांट भंडारा जिले में मासड़, वहां हम शुरू कर रहे हैं। और वो कम से कम 20 टन बायो सीएनजी हर दिन तैयार करेगा। और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारे ट्रैक्टर, वो परली यानी राइस स्ट्रॉ यानी तनस से बायो सीएनजी तैयार होगा और उससे हमारे ट्रैक्टर चलेंगे और एक एक किसान के 1 लाख 1.25 लाख रुपए बचेंगे। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो ये भी बात अब हमको करना है कि किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातें अच्छी हुई है। शुक्रवार को ओबीसी आरक्षण के मांग के लिए, साथ ही किसानों के बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए विरोधकों ने विधिमंडल के सीढ़ियों पर आंदोलन किया। इस दौरान विधेयकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोकांच्या प्रश्नावर आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या सरकारचा विकार असो। अरे पेकू सरकार, बाय बाय। आघाडी सरकार, बाय बाय। काँग्रेस
नाना, अरे काय म्हणाले नाना, अरे काय म्हणाले नाना, अरे काय म्हणाले नाना, शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा। कोविड के तीसरी लहर का खतरा देखते हुए अमरावती में प्रशासन तैयार है। प्रशासन द्वारा 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर अमरावती जिले से शुरू हुई थी, इसलिए इस बार अमरावती जिले में बड़े पैमाने में आसपास के जिले से बल्कि मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने में मरीज इलाज के लिए आ रहे थे। फिलहाल ओमिक्रॉन का खतरा ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य प्रशासन ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कोविड हॉस्पिटल के पीछे 100 बेड का सभी सुविधाओं से लैस पोर्टेबल कोविड केयर यूनिट बनाया है, जिसमें वेंटिलेटर आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। पोर्टेबल कोविड केयर यूनिट पूरी तरह वातानुकूलित है, बल्कि टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था अंदर ही की गई है। तिसऱ्या लाटेच्या धोक्याच्या संदर्भात आपण या ठिकाणी 100 खाटाचं मॉड्युलर फॅब्रिकेटेड हॉस्पिटल आम्हाला मिळालेलं आहे। यामध्ये 8 आमचे व्हेंटिलेटरचे बेड्स आहेत, 26 ऑक्सिजनचे बेड्स आहे आणि इतर 66 ते नॉर्मल बेड्स आहेत। या ठिकाणी ऑक्सिजनची सोय आहे, व्हेंटिलेटर्स आहेत, याला ऑक्सिजनचा प्लँटसुद्धा जोडलेला आहे। आमचं लिक्विड ऑक्सिजन टँकचीसुद्धा या हॉस्पिटलसाठी आम्ही व्यवस्था केलेली आहे। जर तिसरी लाट आलीच तर हे एक सुसज्ज असं रुग्णालय आपल्यासाठी तयार आहे अमरावतीमध्ये। आणि याला थोडंसं आमची जी अडचण आहे ती म्हणजे आता फायर होण्याची, पण ती पण आता लवकर मिळेल अशी आम्हाला खात्री आहे। कशा पद या जिल्ह्याला आपण आपलं जे सुपरसिटीमध्ये जे आपल्या रुग्णसंख्या 400-450 गेली होती आणि अशा वेळेस मग आम्हाला एक वाटत होतं की कदाचित आपल्याला हॉस्पिटल अपुरं पडेल का, तर ती निश्चितच आता यावेळेस असं भासणार नाही, कारण का हे 100 बेड्स आहेत। आपण बाकी ठिकाणीसुद्धा आता जिल्ह्यांमध्ये संख्या वाढवलेल्या, अचलपूरची कॅपॅसिटी वाढवलेली आहे, धारणीला रुग्णालय केलेलं आहे, मोझरीला आपलं 100 खाटांचं रुग्णालय आहे आणि इतर जिल्ह्यात सगळ्याच ठिकाणी अशा दृष्टीनं खाटा निर्माण केल्यामुळं कुठल्याही प्रकारची अडचण जाणार नाही याची मला खात्री आहे। विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है, जिस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वे भी पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका कहना है कि प्रोटोकॉल अनुसार सब कुछ गोपनीय रहता है। वही अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार हाईकमान घोषित करने की बात उन्होंने कही। त्याच्यामुळे बिझनेस ॲडवायझर कमिटीच्या गोष्टी बाहेर केलेल्या जात नाही, ह्या पण एक पद्धत महाराष्ट्रामध्ये आहे। इथं चूप बसायचं आणि बाहेर येऊन ओढायचं ही भाजपची पद्धत आहे। ही हातात झालेली भाजप त्याचं चित्रण आहे की ते आज ते बाहेर येऊन विधानसभा अधिवेशन वाढवत नाही, ते ओढायसाठी ते तयार आहे। अध्यक्षांची निवडणूक सोमवारी होते, तीसुद्धा बाहेरनं कळाली आम्हाला, मीटिंगमध्ये कळाली नाही असं मगाशी आम्ही म्हणाले। माननीय राज्यपाल मोदींकडे प्रस्ताव गेलेला आहे, परंतु राज्यपाल मोदींकडून प्रस्ताव येऊ आला नाही, तिथपर्यंत बिझनेस ॲडवायझर कमिटीमध्ये त्याच्यावर चर्चा होऊ शकत नाही। म्हणून राज्यपाल मोदींकडूनचा प्रस्ताव त्याच्यावर आला तर मग नंतर त्यांना सांगते। काँग्रेसचा उमेदवार कोण? काँग्रेसचा उमेदवार हायकमांड डिसिजन। मुंबई में शुरू शीत सत्र में शक्ति कानून को मंजूरी मिली, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्णय का स्वागत कर मिठाई बांटी गई। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में तुरंत शिक्षा देने के लिए ये कानून बनाया गया है। महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार द्वारा कठोर सजा देने के लिए नया शक्ति कानून बनाया गया। शक्ति विधेयक को विधिमंडल के सभागृह में मंजूरी मिल गई। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा न्यू मुंबई परिसर में पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जल्लोष मनाया गया। मंत्री आदरणीय दिलीप वळसे पाटील साहेबांनी काल विधानसभेमध्ये आज शक्ती विधेयक वायदा मांडला आहे आणि आज आम्हाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे। महाविकास आघाडीचं खऱ्या अर्थाने हे यश आहे। आम्हा सगळ्या महिलांना दिलासा मिळालेला आहे की हे जे काही अत्याचार सातत्याने महिलांवर होत आहे या नराधामांना नक्कीच चाप बसेल असं आम्हाला या आज वाटतं आहे। आज रुपालीताईंच्या आदेशाने राज्यभरामध्ये महिला ढोल ताशाच्या गजरामध्ये आज या विधेयकाचं स्वागत करीत आहेत। आम्हाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे असं मला वाटतंय। हे यश खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीचं आहे या अर्थाने मला निमित्ताने मला सांगावं असं वाटतंय। आज तुम्ही बघतच असाल उल्वा येथे उरण पनवेलच्या निमित्ताने उरण पनवेलच्या दोन्ही उरण पनवेल मतदारसंघाच्या वतीने आज आम्ही उल्वा येथे एक मोठ्या जल्लोषात कार्यक्रम साजरा करीत आहोत आणि आज खऱ्या अर्थाने सांगायचं वाटतंय तर आज पक्षाचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी पुरुष पदाधिकारी या विधेयकाचं स्वागत करीत आहेत। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं
मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा द्वारा गांधी चौक में आंदोलन किया गया। राष्ट्रीय संयोजक नितिन दादा चौधरी की अध्यक्षता में यह आंदोलन किया गया। अशी एक संघटना जी नेहमी ओबीसीच्या हक्का और न्यायासाठी लढत असते, अशा आज या राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने वर्धा जिल्हा कार्यालयासमोर इथे इशारा आंदोलनाचं आयोजन केलेले आहे। अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण निर्धारित एम्पिरिकल डाटा कृती प्रक्रिया द्वारा कौन सी जानकारी इकट्ठा करेंगे ये जाहिर करे और कृति प्रक्रिया की रिपोर्ट 15 दिन में जनता के सामने पेश करने की मांग करते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा द्वारा इशारा आंदोलन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करते हुए कुछ निर्देश दिए थे। राजकीय दृष्टि से पिछड़े ओबीसी समुदाय का एम्पिरिकल डाटा पेश करने के निर्देश दिए और कहा कि आरक्षण का प्रमाण निश्चित करे, उसके बाद ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम रहेगा। इस आंदोलन में जिलाध्यक्ष तुषार पेंढारकर, प्रदेश संगठन सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रवीण पेठे समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा वर्धा जिल्हा तर्फे या ठिकाणी इशारा आंदोलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वर्धे येथे या इशारा आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही राज्य सरकारला इशारा देऊ इच्छितो की ज्या पद्धतीनं देशामध्ये आणि राज्यामध्ये ओबीसीचं ठिकठिकाणचं आरक्षण, मग ते नोकरीतलं आरक्षण असो की राजकीय आरक्षण असो, ते संपुष्टात येण्याचं निर्देश होत आहेत आणि त्याला तो निर्देश लक्षात घेऊन याला जर थांबवायचं असेल तर आमचा या इशारा आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला आव्हान आहे की येत्या अधिवेशनामध्ये, हे जे अधिवेशन सुरू आहे त्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा की येत्या 1 जानेवारीपासून राज्य सरकार महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्रात ओबीसींचं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सगळ्या मागासलेपणाचा अभ्यास सुरू करेल आणि त्यासोबत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ओबीसींची जातनिहाय लोकसंख्या किती आहे याचासुद्धा सोबतच सोबत अभ्यास करेल, याची तपासणी करण्याचा कार्यक्रम 1 तारखेपासून त्यांनी सुरू करावा, असा इशारा आजच्या या इशारा आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला आम्ही देऊ इच्छितो आणि मला विश्वास आहे की राज्य सरकार आमचा इशारा लक्षात ठेवून त्या पद्धतीनं 1 जानेवारीपासून। पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उसकी गला दबाकर हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भंडारा रामटेक मार्ग के खोकरला परिसर में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी के चरित्र पर संदेह कर साड़ी से गला दबाकर उसकी हत्या कर आरोपी पति फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी विलास धनराज मेश्राम पांढरापोड़ी जिला भंडारा निवासी को 22 दिसंबर को भंडारा रामटेक मार्ग के खोकरला खेत परिसर से गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई भंडारा पुलिस और भंडारा डीबी पथक ने की। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जिसके बाद उसे न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी विलास ट्रक चालक है, वो हमेशा ही अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और दोनों के बीच हमेशा वाद विवाद होता रहता था। इसी बीच उसने अपने पत्नी की साड़ी से गला घोट कर हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। मर्डर झालेला होता, त्याच्यामध्ये पत्नी बबीता विलास मेश्राम व पती विलास मेश्राम यांच्यामध्ये काही घरगुती कारणामुळे वारंवार झगडे भांडण व्हायचे आणि त्याच्यातून पती विलास मेश्राम याने आपली पत्नी बबीता मेश्राम हिचा
साडीने गळा आवळून मर्डर केलेला होता आणि घटनेपासून आरोपी विलास मेश्राम हा फरार झालेला होता आणि तो ट्रक ड्रायव्हर असल्यामुळे तो नेमका कोणत्या ठिकाणी आहे याबाबत कुठलाही थांब पत्ता लागत नव्हता. परंतु पोलीस स्टेशन भंडारा येथील डीबी पथक PSI जगणे, SC भुसारे व इतर DB कर्मचारी यांनी सतत 2 दिवस पूर्ण परिसर पिंजून काढला व आरोपीबाबत माहिती एकत्र केली व त्यातूनच एक गुप्त बातमीद्वारे आम्हाला माहिती मिळाली की आरोपी खात रोड या ठिकाणी शेत शिवारामध्ये फिरत आहे आणि घटनेपासून तो शहापूर खात रोड या जो शेत शिवार आहे या परिसरामध्ये तो फिरत होता आणि माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच तात्काळ आमचे DB पथक त्या ठिकाणी जाऊन त्या आरोपीला ताब्यात घेतले व त्याला अटक करण्यात आली. आज माननीय कोर्टामध्ये त्याला हजर करून त्याचं आता MCR झालेलं आहे. नागपुर में नाबालिग से गैंगरेप के प्रकरण में वांछित आरोपी 2.25 माह बाद MIDC पुलिस के हाथ लगे हैं. इसके साथ ही गैंगरेप में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 हो गई है. गिरफ्तार आरोपी शिवेंद्र सुशील पटेल, अजय राधेलाल मात्रे तथा सूरज रुफ दाऊ घनश्याम कुशवाहा है. इसके पहले आकाश उदयलाल भंडारी, संदीप अशोक पांडरे, फिरोज शेख, शफी शेख, अजय विष्णुदास सुरनकर तथा हर्षल कैलाश ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था. नागपुर में नाबालिग से गैंगरेप के प्रकरण में वंचित आरोपी 2.25 माह बाद MIDC पुलिस के हाथ लगे हैं. इसके साथ ही गैंगरेप में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 हो गई है. गिरफ्तार आरोपी शिवेंद्र सुशील पटेल, अजय राधेलाल मात्रे तथा सूरज उर्फ दाऊ घनश्याम कुशवाहा है. इसके पहले आकाश उदयलाल भंडारी, संदीप अशोक पांडरे, फिरोज शेख, शफी शेख, अजय विष्णुदास सुरनकर तथा हर्षल कैलाश ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था. पीड़ित नाबालिग की आकाश से मित्रता बताई जा रही है. आकाश 2 अक्टूबर से नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था. उसने अपने मित्रों को भी नाबालिग से संबंध बनाने को कहा. यह मामला संवेदनशील होने से MIDC पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. एक आरोपी MP भाग गया था तो वारदात के दौरान उसने आकाश से पुलिस ने पकड़ लिया था. उसने दोनों साथियों के नाम बताए जिसके आधार पर ही उन्हें पकड़ा गया. खापरी परिसर स्थित गोदाम में गुरुवार की सुबह के समय भीषण आग लग गई. इसमें खाद्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया. खापरी परिसर स्थित गोदाम में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई. इसमें खाद्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए. मिली जानकारी के मुताबिक 14 मील रोड से सटकर वीरेन ठक्कर का वेयरहाउस है. इसे TVS कंपनी ने किराए पर लिया है. इस गोदाम में रिलायंस कंपनी के सुपर मार्केट की खाद्य सामग्री, ग्रोसरी, अनाज, ड्राई फ्रूट्स, तेल, विभिन्न कंपनी के AC, कूलर, फ्रिज, TV, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है. जबकि आग में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया. इसमें कंपनी का भारी नुकसान हो गया है. आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ. कलमेश्वर मोहपा वाड़ी के एक एक और नागपुर मनपा के 2 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे. दोपहर करीब 2:30 बजे आग पर काबू पाया जा सका. आग के कारण गोदाम का शेड ढह गया. शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. कलमेश्वर पुलिस मामले की जांच कर रही है. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.